तो अपनी ट्रेन आ चुकी है, लगभग 28 मिनट लेट मैंने आपको दिखा दिया था वेब 7 के साथ ही। देखो खाली खाली और मस्त। मेरे ईयरफोन ने धोखा दे दिया मुझे। वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप सब स्वागत है एक और नई ट्रेन जर्नी में। तो गाइस आज की जर्नी होने वाली है रामगंज मंडी से लेकर उज्जैन तक, और ट्रेन नंबर है 12466 और ट्रेन का नाम है रणथंभौर एक्सप्रेस। और देखे स्टेशन का कुछ ऐसा है, यहाँ पे वहाँ बैठे पापा और नाना सब यहीं बैठे हैं, हमें छोड़ने के लिए आए यहाँ पे ही है। तो जैसे ही ट्रेन आती है उस समय स्टार्ट करते हम लोग। दोस्तों ये देख सकते हैं ट्रेन नंबर 12466 दरा पे अभी 28 मिनट लेट चल रही है ट्रेन। अब जैसे आता है वैसे दिखाते हैं आपको ट्रेन को। दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है, लगभग 28 मिनट लेट मैंने आपको दिखा दिया था वेब 7 के साथ ही। और अभी जैसे ही आता है कोच उस समय बैठते हैं फिर बात करते हैं। इस बार सही आया, अरेंजमेंट सही आया। देखो ए हाँ एसी, देखो ये एसी आ गया पीछे, चला जाओ पीछे ही। तो दोस्तों इस बार फाइनली सही स्टार्ट आया अरेंजमेंट, नहीं तो पिछली बार दिक्कत आ जाती, हर बार बहुत बार दिक्कत आई है, इस बार सही अरेंजमेंट आया इसका, नहीं तो हर बार तो बहुत दिक्कत आई है अरेंजमेंट में इसके। देखें मैं सब थर्ड एसी और सेकंड एसी है। पीछे चलो पीछे, ये आ गया स्पाइक। चलो पहले चढ़ जाते, चलो सही टाइम निकल गई अपनी ट्रेन भी, अब जूम करके लेना पड़ेगा ऑन टाइम डिपार्चर। दोस्तों फाइनली सेकंड हॉल पे आए, वो सेकंड हॉल जगह भवानी मंडी है, इसके उसके बाद गरोट है, शामगढ़, सुवासरा, चुमेला, विक्रमगटा रोड, महिपुर रोड, नागदा, उज्जैन और देवास इंदौर। लेकिन अपन को तो उज्जैन तक चलना ही, 7:21 पहुँच जाएगी, मतलब सही टाइम के लगभग हो जाएगी, 10 मिनट लेट हो जाएगी वहाँ पे, नागदा सही टाइम पहुँच जाएगी। और अभी 28 मिनट डिले चल रही है भवानी मंडी। चलो ठीक है, आगे जैसा भी होगा आपको बता करेंगे। कैसा लग रहा है आज रंगमंच मिनी मना के? रंगमंच मिनी मना के अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत बेकार लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत मुझे खुद को बहुत बेकार लग रहा है, आप कैसे नहीं मना पाए हूँ मैं इस बार रंगमंच में। इस बार नागदा में खमन खाओगी क्या? नागदा में खमन खाओगी क्या सही में? इस बार तो मैं भी खाऊंगा पोहे, तो मिल तो जाएगा, सही मिल जाएगा, इस बार गरम मिल जाएगा, वो भी खा लेंगे। पहले खाना खाएंगे फिर खमन खाएंगे, खाना इतना तो है कि अपन आराम से निपटा लेंगे तीनों। भाई जी नहीं खाऊंगा मैं, पोहे खाऊंगा पोहे नागदा के, मज़े नहीं आएंगे आलू बड़े में, पोहे खाऊंगा मैं, पिछली बार नहीं खा पाया बहुत बेकार लगा। बाहर का नज़ारा अच्छा आ रहा है, सुबह
दोस्तों अभी आ चुका है सुहासरा, यहाँ भी लेट हुई 37 मिनट बराबर, पर नाग दादा सही टाइम पहुँच जाएंगे। देख अभी शूट कर लेते कुछ, अतरंगी अतरंगी खुशबारी अतरंगी अतरंगी खुशबारी, एक तो सीट भी ऐसी अलग ही अतरंगी आया था ना मसाजी साहब। लास्ट टाइम मसाजी चलाते थे के लिए अब महितपुर रोड तक के लिए मिल गए, शामगढ़ में थे आज, चाय भी लिया है सबके लिए, बढ़िया मसाजी चाय तो एकदम बढ़िया। अब यहाँ पे आएगी चोमेला में भी एक नदी काली सिंध, तो वो भी दिखाते हैं अभी जैसे आती है, जब तक आप थोड़ा भागा ना जा रहे, देखो कोई सी ट्रेन क्रॉस नहीं होना, वो भी दिखाते हैं। दोस्तों आप बाहर के नज़ारा एंजॉय करो, देखो गाइस अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, तो ये सेल्फी मोड से कर रहा हूँ क्योंकि क्या धूप आ रही, तो पता नहीं मेरा फेस क्लियर आ पाएगा कि नहीं, अभी भी देखो अरे इसलिए मैंने कर रखा है, और ये माइक तो मैंने ये अटैच कर रखा है, लेकिन हवा भी चल रही है इसलिए मैंने पकड़ रखा ताकि आवाज़ क्लियर आए। वो बाहर के नज़ारे मैं आपको ज़्यादा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि क्या है इतनी चीज़ है नहीं दिखाने को, आपको फिर हम ट्रेन का सब चीज़ बताऊँगा कितना क्या फेयर है स्लीपर का, और हम उज्जैन तक फेयर आम मंडी सब चीज़ कितना क्या लगा है सब चीज़ बताऊँगा। अभी बाहर चीज़ देखो आप, बाहर नज़ारा देखो, ये तो छोटी सी गाड़ी थी, ये तो बच्ची थी बच्ची। बाहर का नजारा एंजॉय करो गाइस इन सेल्फी मोड। तो गाइस अब आ रही है काली सिंध नदी, अब आप वो देखो भाई, दोस्तों बाहर का व्यू देखो, बाहर का व्यू क्या मस्त आ रहा है। अब आइए काली सिंध नदी, अब ये देखो देखो व्यू देखो गाइस क्या व्यू मस्त है, अभी भी दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो गाइस यहाँ देखो, यहाँ पे खत्म ही हो गई दूसरी साइड आई थी पटरी, वहाँ एंडिंग में पहुँच गए बिल्कुल उस साइड एंडिंग पर, ऐसा यहाँ पे चोमेला की साइड बहुत अलग है। अब पता नहीं कौन सा स्टेशन आ रहा, आप देखते हैं जो भी आएगा आपको बताते रहते हैं। चोमेला अभी सुहासा ही पता है, चोमेला आएगा, अब चोमेला आएगा। इसमें बहुत धूप रहती है महंगी है वहाँ पे। दोस्तों अभी आया है चोमेला, जैसा भी आपको काली सिंध दिखाई, अभी मैं इस मैंने बताया आपको क्यों बना रहा हूँ सेल्फी मोड से, क्योंकि धूप आ रही है अभी भयंकर, नाइट में जरूर बनाएंगे नागदाबाद थोड़ा हो जाएगा लो, और सनसेट का तो वो जरूर दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो भी जैसे ही इसका डिपार्चर होता है वैसे दिखाते हैं। तो गाइस सिर्फ 2 मिनट रुक गए हर जगह, वैसे भी इसका होल्ड हर जगह 2 मिनट ही है, तो देखिए इसका डिपार्चर निकल चुके चोमेला से, मैं सोचूँ इस बार कुछ भी गाने वाले नहीं लगाऊंगा बैकग्राउंड में, बस एंडिंग करूंगा जब गाने लगा दूंगा। ये देखे ये अपनी इंडिया की खास है, ये खास चीज़ तो कोई छोड़ नहीं सकता, बीच में पटरी के बीच में चलना, ये सब लोग मानेंगे तो है नहीं, क्या कर सकते हैं। क्रॉसिंग आ गई, यहाँ पे लगभग कुछ 3 प्लेटफॉर्म है चोमेला में, और आपको नागदा का जरूर दिखाऊंगा सब चीज़ में।
left uncovered. I'm thinking about four leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over. I never expect to forget about it. Watch as the breeze burns golden smoke that you've stolen. Feels like it's my fortune. दोस्तों एक तो सीट भी ऐसी मिली है बिल्कुल समझ सकते क्या अतरंगी अतरंगी गुजू आ रहा है नहीं क्या अम्मा बिल्कुल अतरंगी। तो दोस्तों आ चुके हैं अपन नागदार जंक्शन में और ये आवाज़ मैं अलग से डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे ईयरफोन्स ने दे दिया था मुझे यहाँ पे धोखा और मैं यहाँ पे गाना डाल रहा हूँ तो आप गाना एंजॉय करें। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... जंक्शन पे अब इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर से तीन रूट कटते हैं। एक रूट जिधर से हमारे राजस्थान साइड से, एक रूट जो कि उज्जैन साइड जाएगा इंदौर उज्जैन, और एक सामने की साइड जाता है रतलाम साइड, तो इसलिए जंक्शन है। और अब जब भी चलेगी, और अभी तो मम्मी को लग रही है भूख, मुझे भी थोड़ी बहुत लग रही है, तो खाना खाते और नाश्ता भी करेंगे तो दिखाते आपको जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा खाना वानी चल रहा है, तो मम्मी यहाँ पे लाई है पराठे, अचार और आलू की सब्जी। तो गाइस ये सब खाना एंजॉय करते हैं और जब डिपार्चर होगा जब दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू। देखो आप तो बस अभी थोड़ा सा तो देखे दोस्तों डिपार्चर।
तो दोस्तों ये डिपार्चर देखा आप यहाँ से अपने नागदा जंक्शन से हो चुका डिपार्चर इसका। और मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप सबके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो वाले सारे अपडेट मैं इंस्टाग्राम पर देता हूँ। मैंने स्क्रीन की तरफ डाल दिया मैंने, तो सब चीज़ के अपडेट मैं इंस्टाग्राम पर देता हूँ। क्या आइडिया ही नहीं होगी जाके पहले फॉलो कर ले, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैंने लिंक इंस्टाग्राम आई डी का, तो उसको पहले फॉलो कर बाहर देखें। ये आवाज ट्रैक का आवाज बहुत अच्छी लगती है गाइस, ये आवाज किस किस को पसंद है बताना। वाली लाइन कट चुकी है राजस्थान की, तो दोस्तों अभी आया हूँ मैं इनके वॉशरूम में, तो बोलूँगा थोड़ा पुराना सा हो गया है, बाकी हाँ उस वाली ट्रेन जैसा नहीं है जिससे हम आए थे लोकल से। लाइट ठीक है, कांच भी उतना तो साफ नहीं, पर हाँ ठीक है, और पानी आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सही है। वॉशरूम की स्थिति इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन काम चल जाएगा लोगों का, तो बाहर मिलते हैं, बाहर ही मिलते सीधे। हाँ दोस्तों आज जो उज्जैन, अब जैसे ही निकलते बाहर दिखाते। दोस्तों आप सबका स्वागत है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। गाइस हो सकता है हमें बस ना मिले तो हमें आज रुकना पड़े, तो कल भी ब्लॉग बन जाएगा उस बस का, नहीं तो अभी बना लेंगे अपन, जैसे भी आपको ब्लॉग में पता चली जाएगा। मम्मा क्या लगता है मिल जाएगी बस? हाँ अपनी नानी के घर चल ही चलेंगे, तो गाइस जैसा भी आपको बताते रहेंगे। बाकी ये भी जंक्शन ही अपना उज्जैन, यहाँ से तीन रूट जाते, एक रूट जैसे बना है, एक भोपाल रूट और एक इंदौर। अब आगे बताते तो लोग एंड कर देंगे बाहर निकल के। तो गाइस अभी बाहर निकलते, देखा कुछ नया सीन देखने को मिला है क्या जी? अब वो तो सारे हो चुके हैं सभी स्टेशन में, ये ऑटोमेटिक वाली सीढ़ियाँ भी लग चुकी है। वो बाहर देखें यहाँ पे अलग ही हो गया, बिल्कुल स्टेशन अलग हो गया गाइस। मैं तो बहुत टाइम में आया हूँ उज्जैन जंक्शन के स्टेशन पे, तो बहुत अलग दिख रहा है। देखे अवंतिका का भी लगा हुआ बोर्ड कुछ, यानी क्या है वो सामने देखो, आपका सामने बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखते अभी ऑटो का करना है, फिर जैसा भी होगा आपको अपडेट दे देंगे आगे आगे। ये देखो दोस्तों यहाँ पे अपने फोटो वोटो तो खींच लेता है इधर भाई, बहुत टाइम बाद आने पे ऐसा ऐसा दिख रहा है। मम्मा आपको भी अभी बहुत टाइम में आई होगी है ना? हाँ देवास की जगह गाइस, देवास की जगह पता नहीं चला इतना अच्छा हो गया पूरा रेलवे स्टेशन, उधर से भी इतना अच्छा हो चुका है। और बाहर तो वही नॉर्मल ही हरवा की तरह, ये होटल बनी हुई है, और देखें यहाँ पे हर जगह ये बहुत अच्छा हो गया कि झंडा लग गया, तो और अलग ही फीलिंग आती है अपने देश की कि अपना देश महान। जय हिंद। तो देखते हैं अभी जैसे भी आपको अपडेट देता है, घर पहुँच जाए तो घर पहुँच के ब्लॉग एंड कर देंगे, तो चलिए अपना ट्रेवल के हिसाब से बनाते रहेंगे। और गाइस अभी अपन ने
ई रिक्शा ले लिए, टोटो भी बोल सकते हैं। क्यों माँ, टोटो भी बोलते हैं वैसे इसको बंगाल साइड। तो अभी जा रहे हैं, नाना कह रहे हैं भैया बता रहे हैं कि भोपाल और जेल की सब जगह की बस चालू हुई है, तो अच्छा मिल जाए तो जाने का काम हो जाएगा अपना। ठीक है, देखते जैसे भी बताएंगे आपको आगे। सो गाइस, अपन तो आ चुके हैं यहाँ पे नानी के घर पे ही। जब याद होगा मैंने लास्ट टाइम उज्जैन के महाकाल नाम से जो व्लॉग बनाया था, उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन करते थे जब आए थे, तो आ चुके हैं नानी के घर। हमने प्लान चेंज कर दिया क्योंकि बस तो चल नहीं रही थी, इसलिए आ गए यहाँ पे। अब चलते हैं ऊपर। तो गाइस, मैंने जैसे कहा था कि मैं आपको सब पूरा बताऊँगा कितना क्या खर्चा हुआ इसमें। तो हमारी टिकट हुई थी 595 रुपये स्लीपर की, तो स्लीपर में हमारे 595 लगे तीनों के मिला के, मतलब एक जने का कुछ 195 रुपीस लगे, मतलब वही 200 के लगभग मान लो आप। 200 तो नहीं, 195 मानो आप पूरे, हो गया 200 में 300-600 जाएंगे। 595 लगे, सॉरी 585 लगे टोटल। और ज़्यादा थकान भरा सफ़र तो नहीं था, और नॉर्मली इस ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अदरवाइज दूसरे ट्रेन में जैसे बहुत दिक्कत आती है, उधर उधर कुछ हटी नहीं रहा, रिजर्वेशन सीट से अपने वाली, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें अपनी जगह पे कोई नहीं बैठता, बैठ जाता तो उठा देते, कोई दिक्कत नहीं। और होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल।